Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My Pathshala by Neetu Nigam. मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम क्लास फर्स्ट के लिए सिलेबस एंड सैंपल पेपर। आज का क्लास फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट है साइबर ओलंपियाड या कंप्यूटर ओलंपियाड भी जिसे बोलते हैं। तो इससे पहले मैंने सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल्स एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम क्या होता है, आप इसमें पार्टिसिपेट्स अपने बच्चों को कैसे करवा सकते हैं, तो प्लीज़ वह वीडियो आप एक बार अवश्य देखें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सिलेबस क्या होता है ये जानते हैं और उसके बाद फिर उसके सैंपल पेपर हम देखेंगे। देखिए, हम सिल्वर जोन ओलंपियाड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल इन्फोमैटिक्स ओलंपियाड 21-22 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। जो हम पेपर देखते हैं, इन्फॉर्मेटिक ओलंपियाड मतलब कंप्यूटर ओलंपियाड या साइबर ओलंपियाड भी उसे हम कहते हैं। तो चलिए क्लास फर्स्ट के लिए हम देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में यूनिट में यह तीन सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, जैसे कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड स्कॉलर जोन। इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड एंड माउस, स्टार्टिंग एंड सेटिंग डाउन कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू MS Paint, फिर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंतर्गत रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स एंड स्कॉलर जोन। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट से 15 रहेंगे और हर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स 45 का रहेगा। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस 5 रहेंगे, मार्क्स भी इसमें 5 रहेंगे, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 25। एंड स्कॉलर जोन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड मार्क्स 6 हो जाते हैं एंड टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार जो है टोटल मार्क्स 30 रहते हैं। इस प्रकार इनके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है 15 + 5 + 5 ये 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो टोटल 100 मार्क्स के रहते हैं। तो अब हम कंप्यूटर्स के सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस हो चुका है, सैंपल पेपर हम देख लेते हैं। ये 19 के अकॉर्डिंग हम सैंपल पेपर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एंड स्कैनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्कैनर। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, सो दिस इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस। नंबर टू, अ कंप्यूटर नीड टू वर्क, ऑप्शन ए एयर, बी फूड, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी फैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिसिटी। अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन इज अ लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, इसमें से लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स कौन सा है। तो ये हो जाता है आपका लैपटॉप, मॉनिटर, कंप्यूटर्स एंड सीपीयू। करेक्ट आंसर इज लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प यू टू लिसन टू म्यूजिक यूजिंग कंप्यूटर, कौन से डिवाइस से हम कंप्यूटर में म्यूजिक सुनने के लिए कौन से डिवाइस का हम यूज करते हैं, स्पीकर, माइक्रोफोन, मॉनिटर, जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन सीपीयू टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने के लिए सीपीयू में हम क्या यूज करते हैं, सीडी रोम, बी प्रिंटर, सी डाटा केबल, डी स्कैनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डाटा केबल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंप्यूटर हैज थ्री एसेंशियल पार्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, इसमें से कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं है, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, सीपीयू। एसेंशियल पार्ट इज द सी, इज नॉट एसेंशियल पार्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेवन,
Steve has on type his name in the computer. Steve अपना नाम कंप्यूटर पर लिखना चाहता है. Which one is the following part of computer will help to type his name? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से वह अपना नाम टाइप करके लिख सकता है? ऑप्शन ए माउस, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड, डी सीपीयू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कीबोर्ड. कीबोर्ड की मदद से वह अपना नाम उसमें लिख सकता है. क्वेश्चन नंबर 8. हैंड इज टू एज इन ऑप्शन ए बी सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फुट. जिस प्रकार हम हैंड में ये दस्ताना पहन रखे हैं इसी प्रकार फुट में हम ये शूज पहन सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 9. विच वन वुड बी नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस. तो इसमें देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप ये फिगर्स 3 है, फिर ये 4 हो रहे हैं, 5 6 ये 7 7 स्टार बन जाएंगे ये. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7. 1 2 3 4 5 6 7. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन द गिवन फिगर. इसमें कितने सर्कल हैं तो चलिए काउंट कर लीजिए. बाहर में है 1 एंड अंदर है 2. और अंदर सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 11. तो आज के लिए इतना ही. आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर पेपर के क्लास फर्स्ट के सिलेबस एंड सैंपल पेपर किस प्रकार के रहेंगे. इसमें देखें आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये रीजनिंग एंड स्कॉलर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हैं. तो आई होप आपको अपने बच्चों की तैयारी करवाने में मदद मिलेगी. और साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि सिल्वर जोन ओलंपियाड ओलंपियाड में आपको बुक भी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसमें ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बुक्स अवेलेबल रहते हैं जिसे आप खरीद करके अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. तो कमेंट करके अवश्य बताइए आप और कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक के. आप बता सकते हैं हमें कौन से सब्जेक्ट एंड कौन से क्लास के वीडियो आप देखना चाहते हैं सैम्पल पेपर एंड सिलेबस के लिए. तो आज के लिए इतना ही. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक यू.